आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विवाह अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी फिल्म रिवॉल्वर रानी में वीरदास को किस किया था और जिसकी वजह से उनके होंठों से भी खून बहने लगा था। रविवार रात को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने अभिनेता ऋतिक रोशन के बारे में भी बात की। दरअसल कंगना रनौत ने रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ऋतिक रोशन के बाद मैंने बेचारे वीरदास की इज्जत लूट ली, ये कब हुआ, कैसे हुआ। इस पोस्ट के जरिए वे एक्टर ऋतिक रोशन पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। दोनों के बीच साल 2016-2017 के बीच विवाद चला था। कंगना का दावा था कि ऋतिक ने उन्हें डेट किया था, जबकि एक्टर इस बात से इनकार कर रहे थे। अपनी भाभी की गोद भराई की रस्म में शामिल होने के कुछ घंटों बाद कंगना ने यह भी पोस्ट शेयर की। उसने भाई अक्षत रनौत और उनकी पत्नी रितु रनौत वो पहली बार माता पिता बन रहे हैं, उसकी बधाई दी। कंगना ने समारोह से कुछ तस्वीरें साझा की। कंगना ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, रितु रनौत की गोद भराई के कुछ अनमोल पल साझा कर रही हूँ। परिवार के सभी लोगों को बेबी रनौत के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंगना और वीर ने रिवॉल्वर रानी 2014 में एक साथ अभिनय किया था। क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म साई कबीर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी। फिल्म में पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन और पंकज सारस्वत भी शामिल थे। तेजस में कंगना एयरफोर्स पायलट की भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा कंगना फिल्म इमरजेंसी में दिखाई देंगी, जिसमें वे दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, विशाख नायर और श्रेयस तलपड़े भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।